अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये कपड़े मेरे धुले पड़े थे नीचे, तो मैं अभी अपने ऊपर अलमारी में रखने जा रहा हूँ। तो आज है जी जुमा, तो तकरीबन 11:30-12 बजने वाले हैं। और मेरी बाइक जो है वो गंदी खड़ी है, तो इसे भी आज धोते हैं। ये मैंने शूज लिए थे स्कर्दू से, तो अभी ऐसे ही पड़े हैं। तो एक मरतबा ही पहने थे जब मैंने स्कर्दू से लिए हैं, और पहन के मैं समुद्री तक आया हूँ, तो उस दिन से ऐसे ही पड़े हैं। दो दिए थे मैंने, लेकिन इसी तरह ही पड़े, अभी काम नहीं आ रहे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एक और ट्रिप करूं, इंशाल्लाह फिर मेरे शूज जो है वो काम आए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं और अपनी सपोर्ट दें, ताकि ये फिर ट्रिप वगैरह आपको भी दिखाएं। यहाँ पे भी जाला लगा हुआ है, कमरे में जाला काफी ज्यादा लग गया है, तो वहाँ ऊपर भी जाले वगैरह लगे हुए हैं, इस तरफ भी जाले वगैरह लगे हुए हैं, और इस तरफ भी जाले वगैरह लगे हुए हैं। सारा जाला यहाँ पे लगा हुआ है। जाले वाला डंडा मैं लेके आ गया हूँ, तो अभी जाले उतारते हैं। कितना ज्यादा बढ़ चुका है, कितना ज्यादा जाला था आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ये गंदा हो गया जालों के साथ। कमरे में काफी देर से सफाई नहीं की थी जालों की, तो आज सफाई कर दिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज सारा कुछ साफ हो जाएगा। कोशिश करूंगा मैं ये भी साफ कर दूं, अगर आज ना हुआ तो फिर कल ना हुआ तो परसों। ऐसे करते करते पता नहीं कितने ब्लॉग मैंने ऐसे निकाल दिए। अभी मैं बाइक धोने लगा हूं, तो मैंने कहा नहाना भी है, कपड़े भी चेंज करने हैं, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए बाइक को धो ले। तो बहुत ज्यादा गंदी भी पड़ी है, यहाँ से आपको नीचे से भी नजर आ रही होगी। बाइक वगैरह साफ हो गई है, तो आप देखने के ऐसे चमक रही है बाइक, पाली साफ कर दी है। ये मेरे पास टायरों के लिए वो होती है चमक वाली पाली, वो है नहीं है, तो इसलिए टायर आपको गंदे वगैरह लग रहे होंगे। बाकी आप देख सकते हैं बाइक सारी है अच्छी तरह से मैंने चमका दी है। तो अभी जाके अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, नहाते हैं, जुम्मे के लिए रेडी होते हैं अभी। तो आपको पीछे ये सफाई वगैरह नजर आ रही होगी, तो ये भी मैंने साफ कर दिया था हालत ही। तो अभी ये साफ करने वाला रहता है और पीछे वो रहता है साफ करने वाला, तो वो करेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। आज तो फिलहाल मैंने ये साफ कर दिया है। तो अभी मैं जुमा पढ़ के ही आया हूँ, तो 2 बज चुके हैं, तो अभी इंशाल्लाह खाना खाते दोपहर का। वो लेके भी आना है, तो मैं बुलर करके लेके आऊंगा, इधर नहीं लाऊंगा। अच्छा कमरा भी ठीक नहीं है। अच्छा मैं कमरा सजा रहा, तू की कह रहा बल्ब आले बल्ब तो बड़े होंगे, छाती लाइटा हूं बाहर लटकाई वो कह रहे हैं। आपको पिछले ब्लॉग में पता लग ही गया होगा, तो मतलब भाई भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। एक वो सामने जुबा भी मेरे घर सामने से आ रहा है अभी, और तो आज जुबा से आज तक ना अभी पहले ये बाइक बाहर निकाल लेते हैं, काफी तंग जगह है, पहले बाइक निकाल लेते हैं ये बाहर। अब इसकी बड़ी आ गई है, अब बाइक मैंने अभी अंदर खड़ी कर दी है, तो मेरी बाइक ये खड़ी। मनीप भाई ने ये शर्ट मंगवाई है, अभी शर्ट नहीं है ये हुडी है, मैकेनिकल ब्रांड की, तो बड़ा प्यारा स्टफ है वैसे मनीप भाई। मोटी भी है, भारी भी है, सर्दियों को पता चलेगा, अभी तो इतना मौसम नहीं। एक और चीज लेके आए, ये क्या शर्ट? ये भी मैकेनिकल की,
बुलबनी पता क्या नाम है ये फुल फुल बाजू शर्ट है ये बड़ी प्यारी लग रही है ये कलर मेरी बाइक के साथ मैच कर रहा है यार मुझे दे दे यार नहीं यार मेरी बाइक के साथ मैच कर गया कलर नहीं है क्यों नहीं किया था ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे पता नहीं येलो नजर आ रहा है बाइक कलर चेंज ये मेरी बाइक का कलर है ये तो ये मुनीत दे दे यार मुझे बाइक कलर चेंज कराना अच्छा ये ऑफ वाइट है ना ऑफ वाइट है ये किस कौन सा ब्रांड है लिवाइस यार ये मेरी बाइक के साथ मैच कर गया कर गया यार नहीं किया है नहीं किया नहीं तुम्हारा साइज भी नहीं है ये मेरा ही साइज है तुम्हारा ही है लग तो नहीं रहा कितनी दी हो सकती है 500 दी हो सकती है मेरे ख्याल ना वैसे 10,000 रुपए दी उतना 500 दी हो सकती है तू डिस्काउंट दे ले ना कितने दी 300 दी हैं 300 दी यार हां जी यार बहुत जबरदस्त स्टफ है अच्छा स्टफ हाफ स्लीव मिलती है 300 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਸਟਫ ਹੈ ਯਾਰ 300 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੋ ਅਗਰ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਲੌਗ ਕੋ ਕਰਨੇ ਲਾਈਕ ਚੈਨਲ ਕੋ ਕਰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦੇ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼